अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर। तो आज की रेसिपी जो है वो है सैंडविच ब्रेड की रेसिपी। बहुत आसान है इसको बनाना, लेकिन ये है कि आपने इसको घर में ट्राई ज़रूर करना है। और इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती चली जाऊँगी। थोड़ी सी मेहनत चाहिए लेकिन बन जाती है, बहुत अच्छी बन जाती है। और मैं आपको ये सिखाऊंगी बिल्कुल ओवन के बगैर, विदाउट ओवन आज बनेगी हमारी ये ब्रेड। सबसे पहले जो हमें इसमें चाहिए वो है मैदा। 500 ग्राम मैदा है मेरे पास, उसमें डाल देनी है आपने चीनी 50 ग्राम। चीनी कोई सी भी ले सकते हैं आप। यीस्ट डलेगी इसमें 7 ग्राम, और नमक भी इसमें आपने डाल लेना है 7 ग्राम। दोनों की मिकदार बराबर है। और इसमें हम डालेंगे 3 ग्राम एका पाउडर। एका पाउडर इम्प्रूवर होता है, ये मार्केट से इजीली अवेलेबल है, आप इसको डाल लें। अगर नहीं है तो भी ईस्ट से काम हो जाएगा, लेकिन अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उससे ये होता है कि ब्रेड ज़रा ज़्यादा अच्छी राइज हो जाती है। तो अब ये कि मैं तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स बीच में डाल चुकी हूँ, इनको सबसे पहले अच्छे तरीके से मिला लेना है। अच्छा, उसके बाद इसमें जो चीज़ें डलेंगी वो है ऑयल, वाटर और दूध। ये तीनों चीज़ें हमने इसमें डालनी हैं। क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इनको आपने एक साथ नहीं डालना, बारी बारी डालना है। पहले ऑयल डाल के उसको थोड़ा सा मिक्स कर लें, फिर दूध और फिर पानी। अब ये देख रहे होंगे आपके, मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, और ऑयल मैंने 50 ग्राम डाला है, यानी 50 ग्राम्स ऑयल मैंने इसमें ऐड कर चुकी हूँ। और आप ये देख रहे होंगे कि मैं इसको नीड भी कर रही हूँ हाथों के साथ, नीड नहीं कर रही, मिक्स कर रही हूँ इनफैक्ट। तो इसको अच्छे तरीके से पहले मैदे में और बाकी चीज़ों के साथ मिला लेना है हमने, और ये भी कोशिश करनी है कि गुठलियाँ ना हों और अच्छा सा मिक्स हो जाए आपस में। उसके बाद बारी आ जाएगी दूध की। दूध इसमें हम डाल रहे हैं 50 ग्राम, मतलब ऑयल भी 50 ग्राम और दूध भी 50 ग्राम इसमें हमने डाल लेना है, और उसको भी फिर से अच्छे तरीके से मिला लेना है। तो अच्छी मिक्सिंग होगी तो ब्रेड अच्छी होगी, उसका जाल बहुत अच्छा बनेगा। और अब आखिर में हमने डाल लेना है पानी। पानी की मैं आपको बता दूं मिकदार कितनी रखनी है। पानी आपको चाहिए 180 ग्राम, और नीम गर्म पानी ही रखिएगा, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं इसमें डालना आपने। और पानी को भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल के अच्छे तरीके से हमने गूंद देना है, और इस तरह से कि अच्छी सी डो सी बन जाए इसकी। देखिए, पानी को भी मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, और इसको मैं खुले हाथ से मिक्स कर रही हूँ। तो तमाम पानी इस तरह डालकर इसको थोड़ा सा हमने गूंद लेना है। अब डो को हम वर्किंग प्लेस पर रखकर उसको नीड करेंगे। थोड़ा सा हमने सरफेस जो है उसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लेना है, ताकि वो चिपक ना जाए। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने डो को 10 मिनट तक अच्छे तरीके से आपने गूंदना है। जिस तरह मैं गूंदूंगी उसी तरीके से आपने इसको गूंद लेना है, क्योंकि अगर आप इसे 10 मिनट तक गूंदेंगी तो आप देखेंगी कि उसको बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई है डो की। जब डो की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होगी तो ब्रेड बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो इस तरीके से गूंद लें। डो बहुत अच्छी गूंद गई है, और आप भी देख रहे हैं, जैसा कि मैं हाथ लगाकर आपको बता रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है ये। तो मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसको 10 मिनट तक गूंदा है, तब ये जाके इस तरह की बनी है। तो अब ये है कि आप इसकी एक राउंड बॉल सी बना लें इस तरह से, और अब हम इसको रख देंगे किसी ना किसी बोल में, और बोल को सबसे पहले ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ। अब हमने डो को छोड़ देना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। गर्मियां हो तो गर्मियों में डो जो है वो 1 से 1.5 घंटे में बहुत अच्छी फूल जाती है। सर्दियों में 2 घंटे लगते हैं, 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। तो अब इसको इसमें डाल दें, और इसको हम अब कवर कर देंगे। सो इसको मैंने कवर कर दिया है, अब हम इसको राइज होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 1.5 घंटा गुजर गया है, और देखिए डो बहुत अच्छी राइज हो गई है, और ये आपके सामने है, साइज में डबल हो गई है। अब डो को बोल में से हम निकाल लेते हैं। मैं पहले ही मैदा लगा चुकी हूँ सरफेस के ऊपर, जिसके ऊपर मुझे रख के इसको शेप करना है। डो को निकालने वाले और इस तरह से, और इसको थोड़ा सा हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस इसलिए कर लें ताकि इसमें से जो एयर है वो निकल जाए। इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेना है, और एक शेप सी इसकी बना लेनी है। तो डो को शेप करने का टाइम आ गया है, अब इसको शेप कर लेते हैं। अच्छा, इसको शेप करने का तरीका आप बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। इस तरह से थोड़ा सा इसको फैला लेना है। अच्छा, डो को शेप अच्छा करेंगे तो डबल रोटी अच्छी बनेगी, ये इसकी एक ट्रिक है, टिप भी है आपको जो मैं दे रही हूँ साथ साथ। अब ये देखें, इसको मैंने थोड़ा सा फैला लिया है इस तरीके से, ये यूं करके इसको फैला लेना है आपने।
अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। इसकी फोल्ड करने की बारी आ गई है। अब देखिए मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। अब मैं जैसे ही स्टेप्स बना रही हूँ, फोल्ड कर रही हूँ, तो साथ साथ आपने इसको इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से आपने इसको ज्वाइन कर लेना है, मिला लेना है, ताकि ये खुला ना रहे। इस तरह से दोबारा से एक इसको करें और आपस में मिला दें इसको, इसके जो किनारे बन गए हैं उसको मिला लें। इसी तरह से सारे स्टेप्स कर लें और ये आखिरी स्टेप होगा इस तरह से, इस तरह से इसे कर लें। अब इसे सीधा करें। और अब ये जो इसके एंड में किनारे हैं, इनको भी अच्छे तरीके से आपने मिला देना है, ताकि ये आपस में अच्छे से चिपक जाएं। और अब ये इसकी सही वाली शेप बन चुकी है। अब ब्रेड का मोल्ड ले लें और उसको ऑयल से ग्रीस कर लें। डो को पैन में डाल लिया है, और जब आप डो को पैन में डालें तो इसको हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस कर लेना है, ताकि वो लेवल हो जाए हर चारों तरफ से। इसको ढक देना है और मज़ीद 1 घंटे के लिए छोड़ दें राइज होने के लिए। 1 घंटा हो गया है और अब हम ज़रा इसकी कंडीशन चेक कर लेते हैं कि डो की कंडीशन अब कैसी है। इसका ढक्कन आहिस्ता से आपने उतार लेना है और देखते हैं कि डो किस तरह की फूली। वाओ, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत अच्छी फूल गई और साइज़ में डबल भी हो गई है। तो अब इस टाइम में आपने क्या करना है, एक पतीला ले लेना है और पतीले को प्री हीट कर लेना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने उसको प्री हीट कर लेना है। इस टाइम पे ये जो डो राइस हो गई है, इसके ऊपर हम ऊपर ऑयल लगाएंगे। इस तरह से एक कपड़ा ले लेना आपने, और उस कपड़े को ऑयल लगाकर बहुत ही आराम से आपने इसके ऊपर इस तरह से ऑयल लगा लेना है। ब्रश के साथ भी लगता है, लेकिन ब्रश के साथ ये होता है कि उससे अगर आप लगाएं तो प्रेशर पड़ने की वजह से इसके अंदर से हवा निकलने का खतरा होता है, और ये हो सकता है कि डो बैठ जाए। सो कपड़े से आप इसको लगाएं। ऑयल लग गया है इसके ऊपर। अब इसको ढक्कन से हमने ढक देना है, और चाहें तो ढक के ही आप इसको बेक कर लें या फिर ढक्कन उतार लें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोल्ड को पतीले में रख दिया है और इसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक करना है। 1 घंटे से 1.25 घंटे में ये हमारी ब्रेड इंशाल्लाह से रेडी हो जाएगी। 1 घंटा हो गया और मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा दूं, और ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बन गई है, आप देख रहे हैं। इसको मैं 15 मिनट के लिए और छोड़ूंगी ढककर, ताकि इसके ऊपर कलर जो है वो और भी अच्छा ब्राउन सा हो जाए। मज़ीद 15 मिनट गुजर गए थे और मैं इसको पतीले में से निकाल चुकी हूँ, और आप देखें इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त है और ये बहुत अच्छी राइज हुई है। जैसे ही आप इसको निकालें, इसके ऊपर आपने ऑयल लगा लेना है, ताकि क्योंकि ये जब निकलेगी तो थोड़ी सी हार्ड होगी, ऊपर से ऑयल लगाने से ये सॉफ्ट हो जाएगी। एक बार आपको फिर बताती चलूँ कि आपने अपना फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम रखना है, बल्कि कोशिश करें कि लो से बस थोड़ा सा ज़्यादा हो। ज़्यादा तेज़ करेंगी तो वो नीचे से जलेगी, ऊपर से नहीं होगी, सही तरह से नहीं बनेगी, और बीच में से वो जल भी जाएगी और उसको सही तरीके से वो राइज नहीं हो पाएगी। आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। तो इसके ऊपर ऑयल लगा लें अच्छे से, और हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसे मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। ब्रेड को मोल्ड में से मैंने निकाल लिया, ये ठंडी हो गई थी। ये देखें कितनी सॉफ्ट है, और आप ज़रा इसकी चेक कीजिए, इसका साइज़ कितना ज़बरदस्त हो गया है। ये देखिए बहुत ही माशाल्लाह अच्छे साइज़ की ये बन गई है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके इसको अंदर से भी दिखाऊंगी कि कैसी बनी है। तो चलें हम इसको अब काट लेते हैं, ज़रा देखते हैं अंदर से इसकी कैसी कंडीशन है और ये कैसी बनी है, सॉफ्ट है या नहीं है, ये अभी पता चल जाएगा। इसको बड़े एहतियात से आपने काट लेना है इस तरह से, और दिखने में तो ऐसे लग रहा है कि बहुत अच्छी बनी है। ये देखिए मैं आपको भी दिखा देती हूँ, करीब से दिखा देती हूँ आपको, और ये देखिए ये बहुत अच्छी बनी रही है। इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और ये बहुत सॉफ्ट है। ये इतनी अच्छी बनी है कि आप भूल जाएंगे कि आप ओवन में भी इतनी अच्छी बन सकती है। ये देगची में भी बहुत अच्छी बन गई, बिल्कुल वैसी ही बन गई है जैसे कि ओवन में बनती है। सो आप इसको ओवन में भी, बगैर ओवन के भी बना सकती हैं, ओवन के साथ भी बना सकती हैं। तो अगर ओवन अवेलेबल नहीं है तो आप इसको पतीली में बनाएं, बहुत अच्छी बनेगी। एक और पीस मैंने इसका निकाल लिया है, ये देखिए वेरी सॉफ्ट। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, और ये इंतहाई मज़ेदार और बहुत सॉफ्ट सी हमारी ब्रेड बन गई है। तो इसको आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है, बहुत अच्छी बनेगी।
तो जनाब हमारी मज़ेदार सॉफ्ट ब्रेड तैयार है, जो कि हमने ओवन में नहीं, हमने बनाई है विदाउट ओवन पतीली के अंदर। आपने इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करना है और आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपकी ब्रेड कैसी बनी है। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप ज़रूर ऐसी रेसिपीज़ को घर में ट्राई किया करें, क्योंकि एक तो ये है कि आपको चीज़ बनानी आती है और दाद मिलती है, ये एक अलग बात है। मैं वेट करूंगी आपके फीडबैक का, और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को देखते रहिएगा। मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं ये आपका फीडबैक जानकर मुझे बहुत खुशी होगी। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल।